अब इस पूरी जर्नी की शुरुआत होती है 19th of February से। उस दिन मेरे पास रिक्रूटर का टेक्स्ट आया था जिसमें लिखा हुआ था कि इफ़ यू आर इंटरेस्टेड सेंड योर रिज्यूमे, एंड आउट ऑफ एक्साइटमेंट मैंने तुरंत अपना रिज्यूमे अपडेट करके सेंड कर दिया था। लेकिन मुझे उम्मीद बहुत कम थी क्योंकि ऐसा अक्सर बहुत कम होता है कि आपकी ड्रीम कंपनी आपको खुद से अप्रोच करे, और उसी वजह से मेरी जो मोटिवेशन थी तैयारी करने की वो बहुत कम थी, अंदर वो आग नहीं थी। और साथ ही साथ एक फुल टाइम जॉब तो चल ही रही थी जिसमें भी मुझे 100% देना था। अब अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो आपके पास मुझसे ज़्यादा टाइम होगा और मुझसे अच्छा परफॉर्म करने की कैपेबिलिटी होगी, और अगर आप एक वर्किंग इंडिविजुअल हैं मेरी तरह तो आपको भी एक फुल टाइम जॉब के साथ साथ अपनी तैयारी करनी होगी। फिर यार 27th of February को दोबारा से मेरे पास रिक्रूटर का टेक्स्ट आता है कि योर रिज्यूमे हैज़ बीन शॉर्टलिस्टेड एंड नाउ वी कैन शेड्यूल इंटरव्यूज़। फिर जाके जो मेरे अंदर मोटिवेशन जगी है, मैंने कहा कि यार इस बार निकाल देंगे सारे राउंड्स, इस बार तैयारी इतनी बेहतरीन वाली करनी है। लेकिन बेहतरीन तैयारी करने के लिए चाहिए 3 चीज़ें, एक बहुत अच्छी स्ट्रेटजी, एक बहुत अच्छा और कंसाइज मटेरियल और रिवीजन। पहला, अपने वीक एरियाज आइडेंटिफाई करो, यानी कि वो टॉपिक्स जो आपने सालों से करके नहीं देखे हैं। दूसरा, अपने पूरे दिन में से तैयारी के लिए टाइम निकालो। तीसरा और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, अपना स्लीपिंग शेड्यूल ठीक करो जिसकी लगी पड़ी है। अब यार मुझे अपनी वीक एरियाज पता हैं, वो टॉपिक्स जो मैंने सालों से करके नहीं देखे हैं, जिनकी मुझे प्रैक्टिस बिल्कुल भी नहीं है। ग्राफ, सेगमेंट्री, डिजिट डीपी, स्ट्रिंग मैचिंग एल्गोरिदम, ट्राई। आप लोग कहोगे भैया कहाँ आप सेगमेंट्री पे जंप करे जा रहे हो, सेगमेंट्री तो वैसे भी पूछा नहीं जाता है, लेकिन रिस्क क्यों लेना, आखिर एक ही तो क्वेश्चन करना है सेगमेंट्री का। और ये चीज़ आप लोग नोटिस करोगे जब मैं आपके साथ अपने नोट्स और मटेरियल शेयर करूँगा कि मैंने क्वेश्चंस बहुत ही लिमिटेड लेकिन बहुत ही चुनिंदा किए हैं और सारी वैरायटी कवर करी है। जब आपके पास टाइम कम होता है तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है कि आप कुछ लिमिटेड क्वेश्चंस करके ही सारी वैरायटी कवर कर लें और एक बहुत तगड़ा रिवीजन प्लान बना लें। इसी को तो स्ट्रेटजी बोलते हैं। अब यार अपने पूरे दिन में से तैयारी के लिए टाइम अलग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, क्योंकि उससे पहले हालात कुछ ऐसे थे कि कभी भी सो रहे हैं, एक मर्ज़ी से जाग रहे हैं, ऑफिस का काम कर ले रहे हैं और बच्चे कुछ टाइम में गप्पे। और सुबह का जो टाइम होता है ना, जब अक्सर आपका भाई घोड़े बेच के सो रहा होता था, वो टाइम कुछ भी नया सीखने के लिए बहुत ही बेहतर टाइम होता है। आप सुबह सुबह कुछ भी पढ़ते हैं, वो चीज़ आपके दिमाग में बैठ जाती है। लेकिन यार सुबह सुबह उठने में आलस बहुत आती है, तो अपने रूटीन को चेंज करते हुए हमने इसका भी इलाज ढूंढ लिया। तो यार सुबह सुबह वर्कआउट करने का एक अपना अलग ही मज़ा होता है, और आज का तो मौसम भी बहुत बढ़िया हो रहा है। अब इससे क्या होता है कि मैं अपने आप को रिफ़्रेश करता हूँ, पूरे दिन के जितने भी मेरे टास्क हैं वो सब एफिशिएंटली करने के लिए बहुत अच्छा रिफ़्रेशमेंट है। एक बार आप लोग भी ट्राई करो, बहुत काम आएगी ये चीज़। अब सुबह के लगभग 7 से 9 2 घंटे मुझे मिल जाया करते थे मेरे ऑफिस शुरू होने से पहले, जहाँ पर मैं कुछ भी नया पढ़ सकता था और अपने वीक एरियाज़ पर काम कर सकता था। अब क्योंकि ये एल्गोरिदम या तो नए थे या फिर मैंने इन्हें बहुत टाइम पहले पढ़ा था, तो चांसेस थे कि इन एल्गोरिदम को मैं टाइम आते आते भूल जाऊं। इसीलिए मैंने बहुत ही छोटे, बहुत ही क्रिस्प नोट्स बनाए ताकि इंटरव्यू से एक दिन पहले मैं उन नोट्स को गो थ्रू कर लूं। और बढ़िया बात यह है कि नोट्स को मैंने काफ़ी अच्छा बनाया है, तो आपके साथ भी ये शेयर कर दिए जाएंगे। साथ ही साथ मैं ये भी बता दूंगा कि इन नोट्स को फॉलो कैसे करना है। अब यार रही बात शाम की, तो लगभग 7 से 10 बजे तक 3 घंटे मुझे शाम में मिल जाया करते थे, जहाँ पर मैं अपने बाकी के टॉपिक्स के क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकता हूँ। और वीकेंड्स, तो वीकेंड्स पे आपके भाई ने लिए 10 आवर्स कोडिंग चैलेंज। गूगल की अच्छी बात यह है कि यहाँ पर आपको सिर्फ डेटा स्ट्रक्चर्स पे ही ध्यान देना है। मुझे भी पता था कि यार सिर्फ डेटा स्ट्रक्चर्स ही पूछा जाएगा, तो अपने सब्जेक्ट्स, अपने प्रोजेक्ट्स को साइड कर देते हैं, मेन फोकस करते हैं डेटा स्ट्रक्चर्स पे। तो अब मेरे सामने थे 2 तरीके के टॉपिक्स, एक वो जो कि मुझे पहले से आते हैं और अब मुझे उनके सिर्फ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं, और दूसरे वो जिनकी मुझे थ्योरी भी पढ़नी है, एल्गोरिथम भी सीखना है, साथ ही साथ क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करने हैं। तो मैंने स्टार्ट किया अपने वीक एरियाज से। अब मेरी वीक एरियाज में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है ग्राफ। मुझे भी पता है, आपको भी पता है कि गूगल के लिए ग्राफ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और ग्राफ के अंदर एल्गोरिथम्स भी काफ़ी सारे होते हैं। लेकिन जब मैंने ग्राफ पढ़ा तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि ये सारे के सारे एल्गोरिथम्स एक दूसरे से बहुत ज़्यादा रिलेटेड हैं, और अगर मैं ये पैटर्न फिगर आउट कर लेता हूँ कि कौन सा एल्गोरिथम किस एल्गोरिथम से रिलेटेड है या फिर कौन सा एल्गोरिथम किस तरीके से काम करता है, तो मेरे लिए इन एल्गोरिथम्स को याद करना बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। साथ ही साथ इस एल्गोरिथम को कैसे यूज़ करते हैं उसके लिए बस 1 या 2 क्वेश्चन करके देख लेना है।
अब मैं आपको बताता हूँ मैंने ये एल्गोरिथम्स कैसे करे। पहली चीज़ तो ये है कि यार यहाँ पर 10 सब टॉपिक्स हैं, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। वो सब टॉपिक्स बहुत ही ज़्यादा ईजी हैं, और 10th वाला जो सब टॉपिक है आर्टिकुलेशन पॉइंट एंड ब्रिजेस, ये आप स्किप कर सकते हैं। तो मैं एक एग्जांपल के लिए लेता हूँ ग्राफ का बहुत ही फेमस एल्गोरिथम डायजेत्रास एल्गोरिथम। अब मैंने इस एल्गोरिथम को कैसे किया, तो सबसे पहले मैंने एक अच्छा रिसोर्स फाइंड किया जहाँ से ये एल्गोरिथम मैं पढ़ सकता हूँ। तो मान लो मैंने कोई वीडियो देखी, मैंने कोई यूट्यूब की वीडियो देखी। अब इस वीडियो में मैंने सीखा कि यार ये डायजेत्रास एल्गोरिथम कैसे काम करता है और इसका कोड कैसे लिखा जाता है। वो देखने के बाद, हालांकि ये एल्गोरिथम्स मैं पहले एक बार कर चुका हूँ, लेकिन विद टाइम जब आप लोग एल्गोरिथम्स यूज़ नहीं करते हैं तो आप लोग भूल जाते हैं कि कैसे इसका कोड लिखा जाना है, कहाँ कहाँ पर हम इसको यूज़ कर सकते हैं और इसकी क्या लिमिटेशंस हैं, स्पेस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है। अब मैंने प्रॉपरली पहले इसका एक लेक्चर देखा या फिर इसको कहीं से रीड आउट किया, मेरे केस में मैंने इसका लेक्चर देखा था। देखने के बाद मैंने इस एल्गोरिथम को समझा कि एल्गोरिथम काम कैसे कर रहा है। समझने के बाद मुझे रियलाइज़ हुआ था कि अरे यार ये तो अपना BFS एल्गोरिथम है, तो बिल्कुल अपना BFS एल्गोरिथम जैसा है। तो मैंने ये चीज़ नोट डाउन कर ली, क्योंकि मुझे पता था कि मैं आने वाले दिनों में ऐसे बहुत सारे एल्गोरिथम्स देखने वाला हूँ, ऐसे बहुत सारी चीज़ें सीखने वाला हूँ, और अगर मैं अभी इसको नोट डाउन नहीं करूँगा तो हो सकता है कि मैं ये इंपॉर्टेंट पॉइंट भूल जाऊँ, जो कि मुझे इस एल्गोरिथम को याद करने में हेल्प करेगा। तो मैंने वहाँ पर नोट डाउन कर लिया कि यार दिस इज़ सेम एज BFS एल्गोरिथम। वहाँ पर हम लोग क्यू यूज़ कर लेते हैं, यहाँ पर हम लोग प्रायोरिटी क्यू यूज़ कर लेते हैं, इतना सा डिफरेंस है। और उसका भी रीज़न है, वहाँ पर हमारे अनवेटेड एज होते हैं, यहाँ पर हमारे वेटेड एज होते हैं। तो वेटेड एज हैं इसलिए हमें यहाँ पर प्रायोरिटी देनी है, तो दैट्स वाई वी आर यूजिंग प्रायोरिटी क्यू। ये सारे पॉइंटर्स मैंने नोट डाउन किए, स्पेस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी मैंशन किया कि स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, अच्छे से मैंशन किया। और उसके बाद इस एल्गोरिथम की लिमिटेशन लिखी, इसका यूज़ केस लिखा और बाकी सारी चीज़ें लिखी। और एक बहुत ही बढ़िया यूज़ केस यानी कि क्वेश्चन मेंशन कर लिया कि यार ये क्वेश्चन इस एल्गोरिथम से सॉल्व हो जाता है, उस क्वेश्चन का कोड वहाँ पर मेंशन कर लिया। अब मुझे यहाँ पर ये पता चल गया कि एल्गोरिथम काम कैसे करता है, ये पता चल गया कि एल्गोरिथम की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, ये पता चल गया कि इस एल्गोरिथम को यूज़ कैसे करना है, ये मेरे लिए इनफ है। फिर मैंने एक दो और क्वेश्चन इस एल्गोरिथम को यूज़ करते हुए कर लिए। तो ये सारी चीज़ें मैंने डॉक्यूमेंट कर ली अपने खुद के लिए, ताकि आने वाले दिनों में जब भी मैं इंटरव्यूज़ दूँ तो उससे एक दिन पहले बैठ करके मैं ये सारे एल्गोरिथम्स को गो थ्रू कर लूँ, क्योंकि ये बिल्कुल फ्रेश मैंने पढ़े हैं, बिल्कुल नए पढ़े हैं, और अगर मैंने इनको रिवाइज़ नहीं किया तो हो सकता है कि मैं इंटरव्यूज़ के टाइम पे इनको भूल जाऊँ। यही चीज़ मैंने बाकी सारे एल्गोरिथम्स के लिए फॉलो करी है, तो ये नोट्स आपके बहुत काम आने वाले हैं। अब मैं आपको ही बता देता हूँ कि अगर आप इन नोट्स को रेफ़र कर रहे हैं तो कैसे आप इन नोट्स का बेस्ट यूज़ कर सकते हैं। मान लो कि आपको डायजेत्रास एल्गोरिथम आता है, फिर तो कोई टेंशन ही नहीं है, आपको सीधा नोट्स पे आना है। आपको जो भी आता है वो चीज़ आपको नोट से मैच करनी है, अपनी नॉलेज को आपको नोट से मैच करके देखना है। अगर आपको लगता है कि हाँ पॉइंट वाइज पॉइंट एक एक चीज़ बिल्कुल वही लिखी है जो कि आप भी सोच रहे हो, वेल एंड गुड। अगर आपके दिमाग में कुछ एक्स्ट्रा है तो उसको भी अपने नोट्स में मेंशन कर लो, मतलब मेरे नोट्स को मॉडिफाई कर लो, ठीक है। वैसे ये नोट्स मैंने सारे गिटहब पे डाल दिए हैं, तो सबको अवेलेबल भी होंगे, नीचे लिंक भी मिल जाएगी सारे रिसोर्सेज की जिसके भी हम लोग बातचीत कर रहे हैं। तो मेरे नोट्स को अपनी तरीके से मॉडिफाई कर लो। अब मान लो मेरे कोड लिखने का तरीका आपके कोड लिखने के तरीके से थोड़ा सा डिफरेंट है, तो आप लोग कोड भी मॉडिफाई कर सकते हैं। और अगर आप ये एल्गोरिथम पहली बार पढ़ रहे हैं तो फिर आप जा करके इसको कहीं से सीखो। मैं कहूँगा कि यूट्यूब पे बहुत सारे फ्री लेक्चर्स अवेलेबल हैं, तो कहीं ना कहीं आपको बहुत अच्छा एडिटोरियल मिल जाएगा। जाकर के इस एल्गोरिथम को सीख लो, सीखने के बाद आकर के नोट्स पे उनको रिलेट कर लो, नोट्स से उनको मैच करके देख लो कि यार जो आपने सीखा है क्या वही चीज़ नोट्स में लिखी हुई है। अगर नोट में कुछ एक्स्ट्रा है तो बहुत अच्छी बात है, आपको कुछ नया एक्स्ट्रा सीखने को मिल गया। अगर नोट्स में एक्स्ट्रा नहीं है तो आप वो चीज़ ऐड कर दो जो कि आपको लगता है कि आपको ऐड करना चाहिए। उसके बाद मैंने जो नीचे प्रॉब्लम दी हुई है आप लोग भी वो प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, और उसके बाद आकर के मेरे कोड में अपनी मॉडिफिकेशंस कर सकते हैं। मान लो कि आपके कोड लिखने का तरीका मेरे कोड से डिफरेंट है, तो आप वहाँ पर आकर के थोड़ी बहुत मॉडिफिकेशंस कर सकते हैं, तो ये नोट्स फिर आपके हो जाएंगे, ठीक है। तो इसी तरीके से आपको सारे टॉपिक्स करने हैं, इसी तरीके से आपको सेगमेंट्री करना है, ट्राई करना है, एंड आपका डिजिट टीपी करना है, देन क्या बचता है आपका रोलिंग हैश यानी कि स्ट्रिंग मैचिंग एल्गोरिथम। तो ये सारे के सारे टॉपिक्स इसी तरीके से मैंने किए हैं। मैंने इनके जो भी क्वेश्चंस किए, मैंने खुद ने जो भी क्वेश्चंस किए, वो सारे के सारे क्वेश्चंस मैंने मेंशन कर दिए हैं। एक शीट मिलेगी आपको गूगल क्वेश्चंस के नाम से, गूगल क्वेश्चंस, उसमें मैंने सारे क्वेश्चंस जो भी मैंने किए थ्रू आउट दिस जर्नी वो सब मेंशन कर दिए हैं टॉपिक वाइज,
और हर एक टॉपिक में आपको ज़्यादा क्वेश्चंस देखने को नहीं मिलेंगे, लेकिन सारी वैरायटी देखने को मिल जाएगी। अब मान लो BFS नाम का एक एल्गोरिथम है, ब्रेथ फर्स्ट सर्च, अगेन ग्राफ का बहुत ही फेमस एल्गोरिथम है। तो इस एल्गोरिथम में एक तो सिंपल क्वेश्चन बनता है और एक क्वेश्चन बनता है मल्टी सोर्स BFS नाम का। तो अरे मल्टी सोर्स BFS भी मैंने कवर कर लिया है एंड नॉर्मल BFS भी मैंने कवर कर लिया है। अब मान लो ट्राई भी एक बहुत ही सिंपल डेटा स्ट्रक्चर है जो कि हम लोग यूज़ करते हैं एज अ डिक्शनरी। तो उसके भी सिंपल सिंपल क्वेश्चंस भी बनते हैं और कुछ क्वेश्चंस बनते हैं बाइनरी ट्राई से, बाइनरी ट्राई जहाँ पर हम लोग सिर्फ 0 और 1 यूज़ करते हैं। तो मैंने वैरायटी सारी कवर कर ली है, मैंने छोड़ा कुछ भी नहीं है इन टर्म्स ऑफ वैरायटी। अब यार ये बात अलग है कि कंपैरेटिव प्रोग्रामिंग में तो किसी भी लेवल के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं किसी भी एल्गोरिथम से, बट यहाँ पर कंपैरेटिव प्रोग्रामिंग की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर बात हो रही है सिर्फ इंटरव्यूज़ की। तो मैंने इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ उतना ही किया जितना ज़रूरी था, क्योंकि मेरे पास टाइम वैसे ही नहीं था। और आप लोग भी जब तैयारी करेंगे ना तो ये चीज़ ज़रूर रियलाइज़ करेंगे कि टाइम आपके पास बहुत ही लिमिटेड होता है, ठीक है। तो सारे टॉपिक्स के सारे क्वेश्चंस जितने भी मैंने किए, और मैंने उतने ही क्वेश्चंस किए जितने मुझे सफिशिएंट लगे, जिसमें सारी वैरायटी कवर हो गई, वो सब आपको मिल जाएंगे मेरे नोट्स में, ठीक है। वहाँ पर मेरे पॉइंटर्स भी मिल जाएंगे, मेरा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी एनालिसिस भी मिल जाएगा, क्वेश्चंस का सेट भी मिल जाएगा, सब कुछ मिल जाएगा, ठीक। तो इस तरीके से आप लोग भी सारे टॉपिक्स कर लेना एक एक करके। अब हम लोग बात करते हैं उन टॉपिक्स की जो कि मुझे पहले से आते थे, जिनके मुझे सिर्फ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने थे। तो यार इनकी लिस्ट मेरे पास ऑलरेडी थी, और इसको मैं प्यार से DSA शीट बोलता हूँ। तो यार मेरी DSA शीट है जहाँ पर कुल 250 क्वेश्चन के आसपास हैं, और वो बहुत ही वेल ऑर्गेनाइज्ड है, ईजी मीडियम हार्ड, हर क्वेश्चन के ईजी मीडियम हार्ड। और उनका जो सीक्वेंस है ना वो उस हिसाब से है कि उनके आने की फ्रीक्वेंसी कितनी होती है। वो बेसिकली आपको सारा डेटा लीडकोड पे भी अवेलेबल होता है, बट लीडकोड प्रीमियम पे अवेलेबल होता है। तो मैंने उनको उसी हिसाब से यहाँ पर सॉर्ट करके लगाया हुआ है, और सिर्फ वही क्वेश्चंस लगाए हैं जो कि आपकी सारी वैरायटी भी कवर कर दें और जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मेरे पास ये DSA शीट थी, और लगभग 1 साल पहले मैंने ये शीट रिलीज़ करी थी, और 1 लाख से ज़्यादा लोग इस शीट को रेफ़र भी कर चुके हैं। काफ़ी ट्रस्टेड शीट है, तो इसीलिए हमें भी उस पर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट है। तो मैंने वही शीट करी, मतलब उस शीट के ही क्वेश्चंस किए। तो जो क्वेश्चंस मुझे पहले से आते थे उनको मैं स्किप करता गया, मतलब मान लो एक क्वेश्चन है 2 सम नाम का या 3 सम नाम का, जो प्रॉब्लम्स है मैं करता रहता हूँ, और मुझे पता है कि यार ये प्रॉब्लम्स बहुत ही ईजी हैं, मेरे से ईजिली हो जाएंगी, तो मैंने उनको स्किप कर दिया। अब एक प्रॉब्लम आई, मान लो कि मुझे लगता है कि इसको करके देख लेना चाहिए, तो उसको मैंने करके देख लिया। आप भी सेम चीज़ फॉलो करना, पूरे के पूरे क्वेश्चंस करने की ज़रूरत नहीं है। कुछ क्वेश्चंस डेफिनेटली ऐसे होंगे जो कि आपने कल परसों या कभी ना कभी किए होंगे, तो उसको स्किप मारो कि ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये वाला करके देख लेते हैं, तो उसको करके देख लो। और जस्ट इन केस कोई क्वेश्चन करते करते स्टक हो जाते हो या फिर सॉल्यूशन रेफर करने की ज़रूरत पड़ती है, तो उस क्वेश्चन को मार्क ज़रूर कर लेना, बिकॉज ये क्वेश्चन भी आपके रिविजन में आएगा। ये क्वेश्चन भी आप लोग जब रिविजन करोगे तो एक बार इस क्वेश्चन को भी देखोगे, ठीक है। तो इस तरीके से वो शीट एंड मेरे नोट्स, ये दोनों मिला करके रिसोर्सेज सफिशिएंट हैं। तो यार ये थे मेरे सारे नोट्स और सारे रिसोर्सेज जो कि मैंने खुद ने फॉलो किए थे। और मेरे दिमाग में यार एक चीज़ रहती है कि जब तक मैं सारी वैरायटी कवर नहीं कर लेता ना, चाहे वो इजी टॉपिक हो चाहे वो डिफ़िकल्ट टॉपिक हो, जब तक मैं सारी वैरायटी कवर नहीं कर लेता, मेरे दिमाग में थोड़ा सा कॉन्फिडेंस की कमी रहती है। तो इसलिए मैं ट्राई करता हूँ कि मैं सारी वैरायटी कवर कर लूँ, और मैंने यही किया हुआ है अपने नोट्स में और अपने क्वेश्चंस में। अब यार 9th of March को फाइनली मेरे पास मेल आ जाता है कि अपने इंटरव्यूज़ की डेट फिक्स कर लो, और मैंने जो डेट सेलेक्ट करी दैट वाज 21st of March। तो मेरी जो तैयारी थी दैट वाज फ्रॉम 27th of Feb से लेकर के 21st of March, 21 दिन बनते हैं पूरे। अगर आपके पास भी इतने दिन हैं तो आप लोग भी बहुत अच्छी तैयारी कर सकते हैं, 105 घंटे बनते हैं अगर आप तरीके से टाइम निकाल लें तो। अब यहाँ पर हम लोग बात करने वाले हैं रिवीजन की। रिवीजन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब मैंने काफ़ी सारे नए एल्गोरिथम भी सीखे, और आप लोग भी जब तैयारी करेंगे तो नए एल्गोरिथम सीखेंगे, नई चीज़ें सीखेंगे, और नई चीज़ें बहुत ही ज़्यादा वॉलेटाइल होती हैं। मतलब अगर आप उनको एक बार पढ़ करके साइड में रख देंगे तो आपको इंटरव्यूज़ में बहुत दिक्कत आने वाली है। अब यार पर्सनली मेरे लिए इन रिविजन्स ने बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। एक अलग ही लेवल का कॉन्फिडेंस आ जाता है अगर आप लोग रिवाइज़ करके इंटरव्यूज़ देते हैं तो ये चीज़ ज़रूर इंक्लूड करना अपने खुद के शेड्यूल में। जाते जाते यार एक बार ज़रूर बोलना चाहूँगा कि यार ये मेरी प्रिपरेशन जर्नी थी, जब आप लोग अपनी तैयारी करें तो उसमें अपना फ्लेवर ज़रूर ऐड करें। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंटरव्यू एक्सपीरियंस के साथ, जहाँ पर मैं आपको अपना गूगल इंटरव्यू एक्सपीरियंस डिटेल में बताऊँगा।